हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये आज दोपहर का समय है और अभी ना हम लोग सोए हुए थे, तभी हमारा गैस वाला आ गया था। तो फटाफट से मैं उठी और गैस वगैरह ये ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं ना ये गद्दे वगैरह, मतलब अभी ठंड आ गई है ना, तो ये ज़मीन पे सोने से ना ठंड लग जाती है, इसीलिए गद्दे को थोड़ा सा मैंने बिछा लेते हैं, तो उससे क्या कि सही रहता है। तो ये गैस का ही कागज़ है, तो वही ले जाके दे रही थी पैसा और गए। और उसके बाद ये सारे सामान है ना, ये सब बक्सा में थे ऊपर में, तो वो सब मैंने निकलवाया है इनसे, अटैची में सब रखा हुआ था। जब उस रूम से हम लोग आए ना, तो सब जैसे तैसे अटैची में जहाँ तहाँ जैसे मिल गया। और ये देखिए कितना सारा तो चूहा काट काट के बर्बाद कर दिया है मेरा सामान, इतना ज़्यादा चूहा हो गया ना, अटैची में भी ढूक जा रहा है। और उसके बाद ये सब मैंने निकलवा लिया, क्योंकि कल फिर व्रत में लगेगा ना मेरा, कल करवा चौथ का व्रत में पहनने के लिए, इसीलिए मैंने सब निकलवा के उसे झाड़ के रख दिया। और कागज़ वगैरह में लपेट के रखा हुआ था ना, तो सारे चूहे काट डाले हैं। तो बस उसके बाद अभी देखिए मैं घर झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ये सब करने से ना काफ़ी ज़्यादा कूड़ा निकल रहा था, बहुत ज़्यादा कूड़े कूड़े हो गए थे घर में। तो अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ उसके बाद, और इतने सारे कूड़े निकले थे ना कि क्या ही बताओ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा दूंगी, तो उससे क्या है कि सारी धूल मिट्टी है ना, इतना दिन से मतलब पड़ा हुआ था उसी में, तो अटैची भी गंदी हो चुकी थी, तो और पंखा से ना इतना धूल मिट्टी हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ। तो बस उन सब को मैंने झाड़ के पहले कूड़े बाहर कर दूंगी, उसके बाद घर को पोछा लगा दूंगी, क्योंकि और यहाँ पर ना हाथ वगैरह धो के फिर मैंने चाय भी चढ़ा दिया था, तो शाम के 4 बज रहे थे, और ये सब करते करते ना 4 बज गए थे। उसके बाद मैंने चाय वगैरह छान लिया था, और यहाँ पे सारे कपड़े मेरे सूख गए थे, घर को मैंने पोछा लगा दिया था। और उसके बाद मैं कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि कपड़े उतार के घर में रख देंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो जाएगा ना, तो पूरा सिलन हो जाता है, जिससे कपड़े भीग जाते हैं ना, वैसे हो जाते हैं। तो बस ये कपड़े मैंने उतार लिया है और वो सब घर के अंदर रख दिया मैंने, और चाय पानी हमारा हो गया है। और अभी यहाँ पे ना घर वगैरह पोछा कर ले, तो ये सब जो मैं पहनूंगी, तो उसके लिए मैं एक दिन पहले से तैयारी करके रख ले रही हूँ, क्योंकि जो जो मुझे लगेगा ना, तो वो सब मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि कल मेरे पास एकदम भी टाइम नहीं रहेगा बिल्कुल भी, इसीलिए क्योंकि वो पूजा का सामान ये वो सच यही में सारा दिन कब निकल जाएगा ना, पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने जो जो पहनना था वो सब मैंने मेच मिला के सब निकाल लिया है, मेकअप का सामान जो कुछ पुराने थे, कुछ नए खरीदे मैंने, तो ये सब तो मेरे पहले के ही है, और जो नहीं थे वो सब भी मैंने ले लिया है। और ये चूड़ियों का सेट बना के भी मैंने साड़ी के साथ, जितना मेरे पास चूड़ी थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे चूड़ी, जितना साड़ी का तो बहुत ज़्यादा कलर है इसमें, लेकिन उतना नहीं था, जितना था मैंने वो सभी को मेच मिला कर रख लिया है। और अभी देखिए रात का टाइम हो गया है, खाना पीना सब हो गया था, उसके बाद सब लोग सो गए थे, तब मैंने ये 11 बजे मुझे फुर्सत मिली, तब जाके मैंने ये मेहंदी लगाई थी, और थोड़ा सा सो भी गई थी बीच बीच में, क्योंकि अंधेरा हो गया था ना, तो नींद भी आ रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब वो हो गया था। और अभी ये उसके बाद ये नेक्स्ट दिन का है, तो इस आज के दिन करवा चौथ है, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए मैंने खाना वगैरह सुबह बनाया था ना, तो उसका पोछा वगैरह सब अच्छे से, गैस को सुबह भी धोई थी मैं, सुबह उठ के जो सुबह का खाना मैंने इन लोगों के लिए बनाया था, उसके बाद अभी फिर से मैंने पोछा लगाया, और यहाँ पे सभी कुछ साफ सुथरा कर लिया था। और अभी टाइम हो रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, क्योंकि 12 बजे मैं सारे काम निपटा के सोई थी, और अभी 2:30 बजे मैं उठ गई हूँ, और उठ के मैंने सबसे पहले ना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर शाम को 5-6 बज जाएंगे यही करते करते। और ये अभी एक बार 2:30 बजे उठी थी, तो फिर उसके बाद ये बोले कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी क्या तुम्हारा तो 1 घंटा में, नहीं तो आधा घंटा में काम हो ही जाएगा, और इसमें लहसुन प्याज तो बनेगा नहीं, ये तो फटाफट से बन जाएगा। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए और लेट गई, तो ये आई थी पूछने कि इनका मतलब ये लोग भी व्रत करेंगे मेरे साथ ही, घर में पूजा करेंगे,
तो बस वही पूछ रही थी कि खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने बोला हाँ सुबह का काम निपट गया था, तो इस टाइम इन लोगों का तो अभी निपटा है 3 बजे के समय, और मेरा तो जल्दी हो जाता है क्योंकि सब लोग काम पे चले जाते हैं, तो 12 बजे तक मेरा सारा काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ, और अभी ये 3 बजे से स्टार्ट किया मैंने सारा काम, और सब्जी बना रही हूँ, ये चने की दाल की सब्जी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सूखी मिर्च तोड़ के डाल दिया है, जीरा का तड़का लगा दिया है, और दाल को भी सुबह में ही भिगो के रख दिया, 2 तरह के दाल भिगो के रखे थे, एक चना दाल की और एक मूंग दाल की। और यहाँ पे देखिए अदरक, सिर्फ अदरक को ना अच्छे से मतलब कूट लिया है, और एक टमाटर डाला है, और सारे मसाले जो मेरे मसाला दान में रहते हैं ना, जो मैं रोज़ यूज करती हूँ, तो आज उनमें से मैं कुछ भी यूज नहीं करूँगी, क्योंकि आज सारे पैकेट मैंने अलग से मंगवाए हैं, तो वो साफ़ सुथरा सब है, तो वही सब थोड़े थोड़े मुझे डालनी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ मैंने टमाटर और अदरक का पेस्ट डाला है, टमाटर काट के डाला है। और यहाँ पे देखिए ये खीर बनाऊंगी, तो इसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने कट करके रख लिया, जो मेरे पास था वो मैंने जैसा भी था मैंने कट करके रख लिया, और चावल को पहले से ही भिगो के रख दिया है, और इसके बाद क्योंकि चावल गलते नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको 1-2 बार मिक्सर में चला दिया है, ताकि ये जल्दी से गल जाएंगे और जल्दी काम हो जाएंगे मेरे। और यहाँ पर मैंने सब्जी मेरी रेडी हो गई है, खीर भी मैंने चढ़ा दिया, और ये मूँग की दाल है, जो इसका भी पानी मैं मूंग की दाल चने की 2 तरह के दाल भिगोए थे, तो अभी इनको भी मैं पीस लूँगी क्योंकि कचौड़ी बनेगी ना इसीलिए। तो यहाँ पे अभी चने की दाल की सब्जी बना रही हूँ, तो चने की दाल को अच्छे से धो लिया मैंने, मसाला वगैरह ऐड कर दिया उसमें, और इसमें चने की दाल डाल के मसाला में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी नमक और धनिया पाउडर पैकेट वाला बस यही डाला है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे खीर भी चढ़ा दिया है, तो खीर में चावल को मैंने पीस के डाल दिया, और चीनी भी डाल दिया है, और ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, तो वो धीमे धीमे आँच में अपना होता रहेगा। और यहाँ पे मेरा सब्जी भी सीटी लगना स्टार्ट हो गया है, 2-3-4 सीटी में ही चने की दाल है ना गल जाएंगी, और उसके बाद मैं मूंग की दाल को 1-2 बार चला लूँगी, तो उन्हें भी भूनना है क्योंकि उसकी कचौड़ी बनेगी। मूंग दाल में भी मैंने ज़्यादा ताम झाम वाला खाना नहीं बनाया, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मूंग दाल को पीस लिया था, और इसमें अदरक और सूखी मिर्च, जो हरी मिर्ची सूखी हो गई थी उसी को मैंने डाल दिया था उसमें, और ये थोड़ा सा सेंधा नमक पैकेट में मेरा अलग से साफ रखा रहता है, जो मेरे व्रत में कोई कोई व्रत में ही काम आता है, तो बस वही यूज करूँगी नमक के लिए। तो मैंने सब्जी में भी वही डाला था, ये मूंग की दाल को फ्राई भून रही हूँ अच्छे से, क्योंकि इनको भी मैंने मिक्सर में पीस लिया था दरदरा टाइप का, तो 2-3 सी मतलब में ही हो गया था। और उसके बाद ये हो गया था, तो मैं यहाँ पे ना चौकी निकाल लिया था मैंने पूजा जिसपे करेंगे, तो ये सब हटा देती हूँ क्योंकि ये ऊपर में रखा हुआ था तो काफ़ी इसमें धूल मिट्टी जम गई थी, तो इसे अच्छे से माँज लूँगी, जैसे बर्तन माँजते हैं ना उन्हीं से अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं धो दूँगी, तो ये क्या है कि अच्छे से साफ़ हो जाएगा, फिर इसी पे पूजा करना है, तो हर बार मेरा इसी पे करती हूँ, तो इसको अच्छे से मैं धो लेती हूँ, फिर धोने के बाद ही इसी पे कर लूँगी पूजा। तो इसे जितना जो झाले वगैरह है ना सब इसके नीचे पूरा झाले हो गए थे, जैसे लगता कि मैंने बरसों से नहीं धोया, जबकि मैंने हाल फिलहाल अभी पूजा किया था ना जन्माष्टमी पूजा, तब भी मैंने इसे अच्छे से धोया यूज किया था। और ये देखिए धो के ये जो जो सामान था ना मेरा सभी मैंने धो के फल वगैरह धो के रख दिए, और छलनी वगैरह सब कुछ धो के रख दिया, और घर को पोछा लगा हुआ था तो अभी तक सूखा नहीं था, तो उसके बाद अभी सूख गया था, पंखा मैंने चलाना भूल गई थी तो पंखा चला दिया मैंने, और उसके बाद ये जो होता है ना एल्पन पीस के जो ये बनाया जाता है, तो ये जो पूजा में शुभ होते हैं, तो इसमें हल्दी मिला के, तो ये यहाँ पे देखिए मैंने